गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास फोर्थ की सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 3 मानव शरीर के अंग व उनके कार्य पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पौधों के बारे में पढ़ा और जंतुओं के बारे में पढ़ा, पौधों के विभिन्न भाग और उनके कार्य। उसी प्रकार मानव शरीर के भी अंग होते हैं और उनके अलग अलग कार्य होते हैं। सभी अंग अपने अपने तरह से कार्य करता है, जैसे आँख देखने का काम करती है, कान सुनने का कार्य करता है, दांत खाने को चबाने का कार्य करता है, जीभ हमें बोलने में सहायता करती है और स्वाद का पता लगाती है कि ये खट्टा है ये मीठा है। तो इसी प्रकार हमारे पूरे शरीर में सभी का अलग अलग कार्य है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मानव शरीर के अंग और उनके कार्य, तो जैसा आपके सामने चित्र दिया गया है, इसमें मानव शरीर के अंग और उनके आंतरिक और बाह्य अंग बताए गए हैं। तो आप हम पहले पढ़ेंगे बाह्य अंग के बारे में। मानव शरीर एक मशीन की तरह होता है और अंग मशीन के पुर्जों का काम करते हैं। मानव शरीर के बाह्य अंगों के अपने काम होते हैं, जैसे पैरों का चलना, दौड़ना आदि। उसी प्रकार शरीर में कुछ विशेष अंग होते हैं जिनसे हम अपने आसपास को अनुभव करते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ आदि। इन अंगों को ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, यानी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती है वो कुल 5 होती है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, जिसके द्वारा हम अपने आसपास के वातावरण को देख सुन सकते हैं, सुख के अनुभव कर सकते हैं और चक्कर पता लगा सकते हैं और फील कर सकते हैं। हम हवा को देखते नहीं हैं लेकिन हमारे त्वचा को वो छूकर निकलती है, तो हमें लगता है ये ठंडी हवा है, ये गर्म हवा है, तो हम अपनी त्वचा के द्वारा इसको पता लगाते हैं। और नाक के द्वारा हम खाने में क्या बन रहा है किचन में, तो खुशबू आ जाती है, तो आज छोले बन रहे हैं या जो भी डिश होती है, हमें अनुभव सुनकर पता चल जाता है कि यह स्वादिष्ट है और ये खट्टी है या मीठी है। तो ये सभी कार्य हमारे ज्ञानेंद्रियां करती है। अब हमारे शरीर के बाह्य अंग, तो हमारे शरीर के बाह्य अंग कौन कौन से हैं? सिर, चेहरा, कंधा, सीना, जो भी आपको इस चित्र में दिए गए हैं, ये सभी हमारे बाह्य अंग हैं जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं और जिनको हम छू सकते हैं। तो ये हमारे बाह्य अंग होते हैं और इन सबका अपना अपना कार्य होता है। हाथ किसी चीज़ को पकड़ने में काम आता है, पैर चलने के दौड़ने के काम आते हैं, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने में काम आते हैं। आँखें हमारे आसपास के वातावरण को देखने के काम आती है, कान हमें सुनने के लिए देता है, सुनने में मदद करता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है तो हम उसको सुन सकते हैं। मुंह हमें भोजन करने में मदद करता है और नाक सूंघने में मदद करता है। और तो ये सभी हमारे बाह्य अंग होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आंतरिक अंग। तो मानव शरीर के आंतरिक अंग, हमारे शरीर के अंदर कई अंग होते हैं जिन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, जैसे हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, आमाशय, आँख, यकृत, गुर्दे आदि। इन सभी अंगों को हम आंतरिक अंग कहा जाता है। इन अंगों के काम निर्धारित होते हैं, त्वचा तथा अस्थियों द्वारा इन्हें सुरक्षा दी जाती है। तो हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जो हमें बाहरी रूप से दिखाई नहीं देते हैं और जिन्हें हम छू नहीं सकते, क्योंकि यह त्वचा और मांसपेशियों द्वारा ढके हुए होते हैं जिससे वह सुरक्षित होते हैं, क्योंकि यह बड़े कोमल होते हैं। जैसे हम हृदय और अंदर की नसें, फेफड़े, श्वसन तंत्र, गुर्दे, ये सभी हमारे आंतरिक अंग होते हैं जो अंदर की तरह हमारे शरीर भोजन को पचाने में, सांस लेने में, रक्त को सभी वाहिनियों में पहुंचाने का आंतरिक कार्य करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है और पूरे शरीर को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं।
तो ये हमारे आंतरिक अंग है। अब आपके सामने चित्र दिया गया है जिसमें आंतरिक चित्र बताया गया है कि अंदर की पार्ट कैसे होते हैं अंग। तो हमने ये दिया गया है श्वास नली है, फेफड़े हैं, हृदय है, और आमाशय है, गुर्दा है, और पाचन तंत्र की जो सारी क्रियाएं होती है वो सभी अंदर की तरफ होती है। जो हमारे यह बड़े कोमल अंग होते हैं जिनकी सुरक्षा के लिए ऊपर से त्वचा और मांसपेशियां बनी होती है। अब हम एक एक करके आंतरिक अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो शरीर के महत्वपूर्ण आंतरिक अंग, जो पहला है शरीर के ढांचे को बनाने व शरीर की गति में सहायक अंग, जो हमारे शरीर को ढांचा बनाते हैं, एक रूप देते हैं, दूसरा उसको गति प्रदान करते हैं, वह है पेशियां। पेशी अपने हाथ को कोहनी से अंदर की तरफ मोड़ेंगे और हाथ की मुट्ठी को कंधे से स्पर्श कराएंगे तो आपको उभरा हुआ भाग का जो एहसास होगा ये हमारी मांसपेशियां होती है। इसी तरह मांसपेशियां हमारे शरीर में अन्य जगह भी होती हैं। मांसपेशियां शरीर के अंगों को हिलने डुलने में सहायता प्रदान करती है। मांसपेशियां हमारे हड्डियों को और उनको ढके हुए होती है। इसके अलावा ये हमारे हिलने में मतलब हाथ को मोड़ सकते हैं, पाँव को मोड़ सकते हैं और यानी अपने पूरे शरीर को हिला ढिला सकते हैं उस ताकि हम आसानी से कोई भी कार्य कर सके। अगर हाथ नहीं हिलेगा तो हम भोजन कैसे करेंगे, कोई वस्तु उठाकर ऊपर कैसे लाएंगे। इसलिए इन सभी का कार्य महत्वपूर्ण होता है जो हमारे शरीर को गतिवान बनाए रखता है। दूसरा हड्डियाँ, बच्चे के शरीर में 300 हड्डियाँ होती है जबकि वयस्क के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। हड्डियाँ बड़ी कठोर होती है। हड्डियों से हमारे शरीर का ढांचा बनता है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा होती है। हड्डियाँ मांसपेशियों के एक साथ काम करने के कारण हम हिलते डुलते हैं, चलते फिरते और इन प्रकार के काम करते हैं। तो ये आपके सामने हड्डियों का चित्र दिया गया है जो हमारे आंतरिक अंगों को ढके रखती है। जो ये पैर की, हाथ की और चेहरे की खोपड़ी बोलते हैं जिसे हम, और ये इसे हम कंकाल बोलते हैं, जो हड्डियों का पूरा ढांचा होता है। ये हमारे शरीर के अंदर की तरह होता है जो हमें मांसपेशियों से मिलकर हिलने डुलने में मदद करता है। अब हमारे सांस लेने में जो अंग सहायक है वो है श्वसन क्रिया। मानव शरीर के जिंदा रहने के लिए पहली ज़रूरत है। व्यक्ति को सांस लेना एक अति आवश्यक है। जब हम किसी की नब्ज से करते हैं तो बराबर नहीं चलती है तो हम बोलते हैं ये अस्वस्थ है, और किसी व्यक्ति की मृत होने का पता हम उसकी सांसों द्वारा लगाते हैं कि सांस रुक गई है। यानी सांस के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो श्वसन प्रक्रिया हम नाक से ली जाती है। हम सांस किससे लेते हैं, नाक से लेते हैं, जो सांस नली के माध्यम से हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वायु से ऑक्सीजन को सोख लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस को बाहर निकाल देते हैं। हम अपने सांस के द्वारा कौन सी ऑक्सीजन गैस को अपने शरीर में अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। तो ये हमारे सांस लेने में सहायक अंग होता है श्वसन क्रिया। ये आपके सामने उसका चित्र है। हम नाक द्वारा श्वास लेते हैं जो हमारे फेफड़े में जाती है और फेफड़ों में से ऑक्सीजन को वो ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है जिसे हम नाक द्वारा फिर से बाहर निकालते हैं। अब पढ़ेंगे हम रक्त संचार में सहायक अंग। तो मानव शरीर में छाती की बाएं तरफ हृदय होता है। हृदय शरीर में रक्त संचार का कार्य करता है। हृदय एक पंप की तरह काम करता है जिससे शरीर में रक्त का प्रवाह बना रहता है। हमारे शरीर में बाई तरफ हृदय होता है जो हमें दिखाई देता है, हमेशा वो पंप करता रहता है, धक 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 की आवाज़ आती है ना, तो ये हमारे हृदय की आवाज़ होती है। यह हम हृदय का मुख्य कार्य होता है रक्त का संचार करना, यानी रक्त को पूरी वाहिनियों तक पहुंचाना होता है।
हृदय एक पंप करता, हृदय के दो भाग होते हैं, एक बाया आलिन और एक दाया आलिन। एक भाग में अशुद्ध रक्त होता है और दूसरे भाग में शुद्ध रक्त। जब हम भोजन जो खाते हैं करते हैं, उसे जो गैस निकल कर रक्त में प्रवाहित होती है, वह सब जाकर एक बाया आलिन में हो जाती है, जिससे वह अशुद्ध रक्त को शुद्ध करती है अंदर पंप करके, और दायालिन में भेजती है, और दायालिन उन्हें पुनः धमनियों तक पहुंचाता है, और वह सभी धमनियों से घूमकर पुनः आकर बायालिन में आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ हमें इसमें रक्त का प्रवाह चलता रहता है। तो हृदय में आपस में रक्त का संचार होता है। अब भोजन पचाने में सहायक अंग। अब हमें जो भोजन करते हैं वो हमें अंदर कैसे पचता है, उसमें कौन से अंग सहायक हैं? तो वयस्क मानव के मुंह में 32 दांत होते हैं, जो भोजन को काटने, फाड़ने और चबाने के काम करते हैं। यानी हम भोजन जब मुंह से करते हैं तो दांत उन्हें पहले अच्छे से चबाते हैं, भोजन को बिल्कुल महीन कर देते हैं। फिर दांतों के प्रयोग से भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जिससे शरीर आसानी से भोजन चला जाता है और पच भी जाता है। इसलिए हमें कहा जाता है कि भोजन को अच्छे से चबा कर करना चाहिए, ताकि हमें भोजन अच्छे से पच जाए और शरीर के अंदर चला जाए। भोजन ग्रहण से होते हुए एक थैली जैसे अंग में पहुँचता है, इस अंग को अमाशय कहते हैं। यानी भोजन वहाँ से लार के साथ तो पचता जाता है और वह एक थैली में पहुँचता है, जिसे हम अमाशय कहते हैं। अमाशय में भोजन 3 से 5 घंटे तक रहता है। यहाँ पर भोजन के पाचक रस मिल जाते हैं, तो यहाँ पर भोजन में पाचक रस होते हैं वो मिल जाते हैं, और जिससे आसानी से भोजन अच्छी तरह और पच जाता है। पित्ताशय और अग्न्याशय आदि से भी भोजन का पाचक रस मिलते हैं। तो अमाशय से भोजन छोटी आंत में चला जाता है, तो छोटी आंत में जाने पर वहाँ भोजन अच्छी तरह पच जाता है। तो आंत छोटी आंत की दीवारों में लगातार एक तरह की गति होती है, जिससे भोजन पिसता हुआ आगे बढ़ता है। पचे हुए भोजन का पोषक अंश छोटी आंत सोख लेती है, जबकि अवशेष पदार्थ बड़ी आंत में चला जाता है। तो जिससे वह बड़ी आंत पानी को अवशोषित कर लेती है और शेष बचा हुआ भोजन मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती है। तो इस पूरी क्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं। यानी आप जब खाना खाते हैं तो मुख द्वारा उस दांतों द्वारा उसे चबाया जाता है, और जीभ पर से जो लार उत्पन्न होती है वह उसे भोजन नली के द्वारा अमाशय में पहुंचा देती है। अमाशय में वहाँ पित्तरस मिलकर और पित्ताशय में और अग्राशय में पहुंचाता है, वहाँ पर भी उनमें रस मिलकर वह छोटी आंत में पहुंच जाता है। छोटी आंत में वह पहुंचकर अच्छी तरह पच जाता है, और जो पचा हुआ भोजन है वो अवशोषित कर लेती है, और बिना पचा या अपोषित भोजन जो होता है वह बड़ी आंत में भेज देती है। बड़ी आंत उससे पानी को अवशोषित कर जो शेष होता है वो मल द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये हमारी पूरी पाचन क्रिया है, और आपके सामने पाचन तंत्र का चित्र दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे दूषित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक अंग। जो भोजन पच जाता है उसके बाद जो पदार्थ बचता है वह हमारे शरीर से मल द्वारा और मूत्र द्वारा बाहर निकलता है। तो अब हम पढ़ेंगे मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं में कुछ दूषित पदार्थ भी बन जाते हैं। गुर्दे इन दूषित पदार्थों को रक्त में छानकर अलग करते हैं, और दूषित पदार्थ को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में पूर्ण ये क्रिया हो सके। अब सोचने, विचारने तथा शरीर पर नियंत्रण रखने में सहायक अंग। जो हमारे शरीर को सोचने का और समझने का और नियंत्रण का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है हमारा मस्तिष्क।
मस्तिष्क शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करता है और उन्हें निर्देश करता है। मस्तिष्क ही सोचने समझने का काम करता है। मानव शरीर में जरा सी भी हलचल के लिए मस्तिष्क से निर्देश मिलना जरूरी होता है। जैसे हमने बताया है, ये आपके सामने मस्तिष्क का चित्र है। मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को अंगों को नियंत्रित करता है कि उन्हें क्या करना है। जब तक मस्तिष्क निर्देश नहीं देता है, हम वह कार्य नहीं करते हैं। जैसा आपने कभी देखा होगा कि हम कुछ सोचते हैं तो हमें पास में क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता है। तो कभी गलत, जैसे हमारा ध्यान कहीं और होता है और पास में कील वगैरह कुछ भी पड़ी हो तो उसमें हमारा हाथ पड़ जाता है, तो वो हमारे हाथ में चुभ जाती है, क्योंकि मस्तिष्क ने उधर सोचने समझने की शक्ति कहीं और लगी होती है तो वो उसे निर्देश देना भूल जाता है। और जब अगर आँखें देखती है कि आपका पास में आग जल रही है और आपका हाथ वहाँ है, तो आप आँखें देखकर मस्तिष्क को सूचना पहुँचाती है और मस्तिष्क अति शीघ्र उसको निर्देश देता है कि हाथ हटाओ, तो हम फटाफट से हाथ हटा देते हैं। तो ये सभी कार्य हमारे मस्तिष्क के अंतर्गत होता है। जब अगर हम व्यक्ति कोमा में चला जाता है, वह जीवित तो रहता है लेकिन उसके सारे अंग क्या होते हैं, कार्य करना बंद कर देते हैं, क्योंकि मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। इसलिए उसके सारे शरीर के अंग कार्य करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको कोई निर्देश नहीं मिलता है, उनको कोई सूचना नहीं मिलती कि आपको ये करना है। इसलिए मस्तिष्क हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। यह हमारे सभी अंगों को नियंत्रित करता है, वह उन्हें कार्य करने के लिए कहता है। अब क्या हम जानते हैं कि बच्चों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 300 हड्डियाँ होती है, जबकि वयस्कों में ये जब जैसे बड़े होते हैं हड्डियाँ घटकर 206 रह जाती है। और सेकंड पॉइंट, बचा हुआ भोजन रक्त के साथ सारे शरीर में पहुँचता है। जो भोजन पचता है हमारे छोटी आँत में, वह हमारे रक्त में मिलकर पूरे शरीर में वाहिनियों, छोटी छोटी वाहिनियाँ होती हैं अंदर, जिसे हम नस कहते हैं, उनके द्वारा पूरे शरीर में पहुँचता है। तीसरा, एक वयस्क की मनुष्य की छोटी आँत लगभग 6 से 7 मीटर तक लंबी होती है। जिस आँत में हमारा भोजन पचता है उसकी लंबाई 6 से 7 मीटर तक की होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और हमने आज पढ़ा हमारे शरीर के अंगों के बारे में, जो बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से दोनों रूप से कार्य करते हैं। बाह्य रूप उन्हें मस्तिष्क को निर्देश देते हैं और आंतरिक हमारे भोजन को पचाने में और सभी तरह रक्त को प्रवाह करने में, श्वास लेने में अंदर की तरह कार्य करते हैं। तो ये सभी एकजुट मिलकर कार्य करते हैं। अब हमने जो पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न, और इसको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसको याद भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, शरीर के बाह्य अंग के नाम लिखिए, यानी शरीर के बाह्य अंग कौन से हैं जिन्हें हम देख व छू सकते हैं। तो आपके शरीर के बाह्य अंग कौन कौन से हैं? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और बहुत से अंग हैं, लेकिन हम यहाँ 5 अंगों के नाम लिखे हैं। अब आपको प्रश्न नंबर 2, भोजन पचाने में कौन सहायक है, यानी भोजन को अच्छी तरह कैसे पचाने में कौन सहायक है? लार, जो हम भोजन करते हैं दांतों द्वारा चबाकर अंदर एक लार उत्पन्न होती है, जिसे हम चबाते तो लार उत्पन्न होती है, तो वो लार भोजन में अच्छी तरह मिलकर उसे पचाने का में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 3, पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। तो आपको अपने पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, जो अभी हमने पढ़ा है। ये आपका पाचन तंत्र का चित्र है, इसे आपको बनाना है अपनी कॉपी में बिल्कुल अच्छी तरह से और इसे सीखना है।
कि ये कैसे बिना देखे बनाकर सीखना है कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो आपको ये सभी अपनी कॉपी में करने हैं तीनों क्वेश्चन, और इनको याद भी करना है। आंतरिक अंग कौन से हैं, बाह्य अंग कौन से हैं, और आंतरिक अंगों का कार्य क्या है, बाह्य अंगों का कार्य क्या है, और हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो आपको ये सभी याद करने हैं।